हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज बारिश के चलते घग्गर नदी के किनारे बसे बीड़ घग्गर क्षेत्र का दौरा किया। बता दें कि बीड़ घग्गर गांव घग्गर नदी के किनारे बसा है। यहां पर घग्गर नदी के तेज बहाव के चलते जमीन धंसने से करीब 15 मकान टूट गए हैं और कई घर किसी भी समय नीचे गिर सकते हैं। घग्गर नदी के किनारे बसे बीड़ घग्गर गांव में जमीन धंसने से पार्क और कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया और जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल और एडीसी पंचकूला भी विधानसभा अध्यक्ष के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द राहत के कार्य शुरू किए जाएं और जिन लोगों के घर गिरे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द राहत कार्य शुरू होंगे। तो मैंने जो हरियाणा प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट के श्री देवेंद्र सिंह जी चीफ इंजीनियर हैं, जो इंजीनियरिंग चीफ हैं, और सभी जो हमारे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी बींडार के सभी जो अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि तुरंत यहाँ पर जो सहायता कार्य है वो शुरू होने चाहिए ताकि जो और मकान जिनको हम बचा सकते हैं उनको बचाया जा सके। और जिन मकानों का नुकसान हुआ है, मैंने अपने हमारे जो यहाँ से पार्षद हैं भाई राकेश जी, उनसे कहा है कि उनका पूरा अनुमान घर के अनुसार कितने घर का मकान के नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, या जो भी नुकसान हुआ है उसका एक पूरा असेसमेंट बीड़ घग्गर का वो बना करके दें ताकि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इन सभी लोगों की जो फौरी तौर पर जो उनको सहायता दी जा सकती है वो दें। कुछ परिवारों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है या कुछ परिवार अपने दोस्तों के मित्रों के यहाँ से शिफ्ट हुए, और जो बाकी बचे हुए परिवार हैं उनको भी हमने कहा है कि वो जल्दी ही छोड़ यहाँ से शिफ्ट कर लें ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो सके। ये जो नुकसान कुदरती आपदा के कारण हुआ है इसकी भरपाई तो की जा सकती है, लेकिन कोई जान माल का नुकसान, किसी की जान जाती है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एक एहतियात बरतते हुए, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ जो अभी कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर जो काम है, हमने इरिगेशन के हमारे एक्शन हैं, चाहे नगर निगम के एक्शन हैं, उनसे कहा है कि तुरंत इसके ऊपर यहाँ काम शुरू होना चाहिए ताकि जो आगे आने वाला नुकसान है वो ना हो सके। बता दें कि भारी बारिश के बाद घग्गर में आई बाढ़ से पंचकूला में घग्गर किनारे भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब सरकार और प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्य में लगे हुए हैं ताकि लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।